उधम सिंह नगर के सिरकुल में बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से करोड़ों रुपए के नुकसान हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम ने जाकर आग बुझाने का प्रयास किया, जिसके बाद कंपनी में अफरातफरी मच गई। सूचना पर दमकल विभाग के साथ विभिन्न कंपनियों के 12 से अधिक वाहन आग बुझाने में जुट गए। इस दौरान जिलाधिकारी, एसएसपी, एडीएम, एसपी सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है, जिस वक्त गोदाम में आग लगी थी वहां 70 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे थे और सभी लोग वहां से सुरक्षित निकाले गए थे। वहीं भीषण आग से कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। कि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन रात में लगभग 11:30 पौने 12 के आसपास ये आग लगी थी और इतनी आग भयंकर हो गई, बढ़ती चली गई। बावजूद इसके कि 8-10 फायर टेंडर लगातार काम कर रहे हैं और पूरी मशीनरी एक साथ हमने झोंक दी है, लेकिन आग इतनी बड़ी थी कि काफ़ी समय लग गया इसको बुझाने में। अब ये कंट्रोल में लगभग आ गई है और लास्ट स्टेज में हम लोग इसको लगे हुए हैं बुझाने में।